सलाम अल्लाह यारी बेटा, ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि हमारा इम्तिहान, हम मोमिनों का दुनिया इम्तिहान का घर है, ठीक है ना। और अल्लाह ने इंसान को बड़ी मोहब्बत से अपने लिए बनाया है, वो बड़ा पसंद करता है इंसान को और वो चाहता है कि इंसान जीते शैतान के मुकाबले में और इनडायरेक्टली मतलब अल्लाह को जिताए कि अल्लाह नेकी को पसंद करता है। और अल्लाह ने शैतान से कहा कि मेरा मतलब मेरे बंदे जो है वो देखना तुम्हें किस तरह, और अल्लाह ने उसका बंदोबस्त भी कर दिया, इन बंदों पे छोड़ा भी नहीं, उसने आलिम के ज़रिए अपने आप को जितवा लिया। लेकिन जो है वो हम लोग सबका भी ये है कि अल्लाह इंसान को बड़ा पसंद करता है, जो इंसान की हिदायत करे वो अल्लाह को जितवाने की कोशिश में होता है, वो आप हो, ठीक है। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये दुनिया इम्तिहान का घर है और हम छोटे छोटे बंदे, वो आलिम तो जीत चुके अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह जीत चुका, लेकिन हम छोटे छोटे बंदों के लिए भी वो ये इम्तिहान का घर है ना। तो ये हमारा इम्तिहान, मोमिनों का इम्तिहान, अब जाहिर है वो शनियों का भी है, शियों का भी है, दुनिया में सबका इम्तिहान है। हमारा इम्तिहान अबू बकर उमर से नहीं होगा, अल्लाह जानता है कि ये हम कभी भी अबू बकर उमर की तरफ नहीं जाएंगे, हमें पता है वो गलत है और हम पैदा ही इस मजहब पे हुए हैं, तो क्या हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। हमारा इम्तिहान हमारे ही अंदर के लोगों से होगा, जैसे खामना खुमैनी, जैसे लोग इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाते, क्योंकि शरीयत सिर्फ उन्हीं के पास थी, लेकिन उन्हीं के शागिर्दों ने अपनी बोला कि तुम्हें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम समझ नहीं आएंगे, तुम हमसे समझो शरीयत क्या है, और फिर उन्होंने उसके अंदर बिदात शामिल की। इसी तरह आज ये कह रहे हैं कि आपको इमाम की हदीस समझ नहीं आएंगी, आप हमसे समझो, हमारी तकलीफ करो। तो किस वक्त इंसान हक से हट जाता है उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसने अपने इमाम को छोड़ दिया और इनकी तकलीफ पर आ गया। बेटा जो मेरी दिल में आता है मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, अगर आपको गिरा गुजरे तो आप माफ़ कर दें, और शुक्रिया बेटे।